नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो वेस्टइंडीज और आयरलैंड के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा 8 जनवरी को सबाइना पार्क किंगस्टन जमैका में इंडियन टाइम के हिसाब से रात में 8 बजे से। तो आज की इस वीडियो में सबाइना पार्क किंगस्टन जमैका की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मैदान के ग्राउंड रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं और इस मैदान पर कौन से बॉलर्स ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। वहीं पर दोनों कप्तान को इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहिए, इस मैच में वेस्टइंडीज और आयरलैंड दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है, और वीडियो के अंत में मैं अपने इस पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले की विन प्रेडिक्शन भी देने वाला हूं। तो ओवरऑल ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सभी क्रिकेट फैंस के लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए किंगस्टन जमैका की वेदर रिपोर्ट के बारे में। और यहाँ पर आप सबके लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्योंकि वेदर फोरकास्ट इस मुकाबले के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बताई जा रही है, जहाँ पर फोरकास्ट ये है कि मौसम ज़्यादातर साफ रहेगा। और अगर मैं आपको मैक्सिमम टेम्परेचर बताऊँ तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं पर जो बारिश की संभावना है वो सिर्फ 40% है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत बारिश आफ्टरनून में देखने को मिले, ऐसी फोरकास्ट की जा रही है। पर भारी बारिश की आशंका का बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि मौसम ज्यादा मैच में कलर नहीं डालेगा और आपको लगभग पूरा मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए सबाइना पार्क किंगस्टन जमैका की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ग्राउंड रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो इस मैदान पर अभी तक टोटल 38 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 14 मुकाबले जीते हैं, जबकि पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 22 मुकाबले जीते हैं। तो साफ तौर पर यह स्टैट्स आपको दर्शा रहा है कि इस मैदान पर पहले गेंदबाजी करना ज्यादातर फायदेमंद साबित होता है और ज्यादा मुकाबले पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ही जीतती है। तो इसलिए मुझे भी लगता है कि इस मुकाबले में जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा, क्योंकि दोस्तों जो पिछले कुछ मुकाबले सबाइना पार्क किंगस्टन में खेले गए हैं वहां पर हमने ये देखा है कि पहली पारी में बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा मुश्किल साबित होता है, स्पेशली जब गेंद नहीं रहती है। 20 से 25 ओवर्स यहां पर बल्लेबाजों को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि गेंद बहुत ज्यादा स्विंग होती है, लहराती है और पिच से भी काफी मदद मिलती है। तो ऐसे में मुझे भी लग रहा है कि इस मैच में टीम्स पहले गेंदबाजी करना ही प्रेफर करेंगी। अगर इस मैदान के एवरेज स्कोर्स की बात कर लें तो जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर है वो 233 है, जबकि जो एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर है वो 200 है। तो आप इन एवरेज स्कोर से भी देख सकते हैं कि इस मैदान पर ज्यादातर हाई स्कोरिंग मुकाबले नहीं होते हैं, और पिछले कुछ समय से तो हम ये लगातार देख रहे हैं कि इस मैदान पर काफी आपको कम स्कोर्स देखने को मिलते हैं। और अगर आप मैं बात करूं तो बिलो 200 आठ बार इस मैदान पर बने हैं, जबकि 200 से 249 16 बार टीम्स ने बनाया। इसके अलावा 249 से 299 8 बार टीम्स ने बनाया, जबकि 300 से ऊपर सिर्फ 5 बार ही टीम्स बना पाई हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 200 से 250 के बीच में ही ज़्यादातर पहली पारी में स्कोर बनता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबला नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा अगर हम हाईएस्ट स्कोर्स की बात कर लें तो जो हाईएस्ट टोटल अभी तक इस मैदान पर बना है वो 349 का है, जो कि पाकिस्तान की टीम ने बनाया था जिम्बाब्वे के खिलाफ। इसके अलावा दोस्तों जो लोएस्ट टोटल है वो 99 ऑल आउट है, जो कि जिम्बाब्वे ने ही बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ उसी मुकाबले में। इसके अलावा दोस्तों जो हाईएस्ट स्कोर अभी तक चेस हुआ है वो वेस्टइंडीज ने किया था इंडिया के खिलाफ 255 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर जो लोएस्ट स्कोर अभी तक डिफेंड हुआ है वो भी वेस्टइंडीज ने किया था इंडिया के खिलाफ 198 रन 9 विकेट के नुकसान पर। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सबाइना पार्क किंगस्टन के मैदान पर कौन से बॉलर्स ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2017 के बाद से इस मैदान पर कोई भी वनडे इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला गया है। 2017 में आखिरी वनडे इंटरनेशनल मुकाबला इंडिया और वेस्टइंडीज़ के बीच खेला गया था। तो अगर हम 2012 से 2017 के बीच हुए मुकाबलों के रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो इस बीच 7 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं, और वहां पर फास्ट बॉलर्स ने 58 विकेट्स चटकाए हैं, जबकि स्पिनर्स को 29 विकेट्स मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 58 के 58 विकेट्स लिए थे, जबकि राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स को भी यहाँ पर काफी ज्यादा मदद मिली थी, उन्होंने 20 विकेट्स चटकाए थे। तो आप देख सकते हैं कि इस मैदान पर तेज गेंदबाजों का ज्यादातर दबदबा रहता है, स्पेशली पहली पारी में। तो यहाँ पर तेज गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है, गेंद काफी ज्यादा स्विंग होती है, इसलिए पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी करना टीम्स प्रेफर नहीं करती हैं और गेंदबाजी करने वाली टीम हावी रहती है पहली पारी में। वहीं पर अगर हम दूसरी पारी की बात करें तो दूसरी पारी में जब टीम्स गेंदबाजी करती हैं तो वहां पर स्लोअर जो गेंदबाज
गेंदबाज हैं यानी कि स्पिनर्स थोड़ा प्ले में आते हैं, इसके अलावा जो मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं वो भी प्ले में आते हैं क्योंकि पिच जो है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है, गेंद रुक कर आती है, फंस के आती है, तो ऐसे में स्पिनर्स को भी यहाँ पर मदद मिलती है। तो अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो मेरा तो आपको सजेशन यही रहेगा कि आप उस टीम के फास्ट बॉलर्स को अपनी प्लेइंग 11 में जरूर रखिएगा जो पहले गेंदबाजी करेगी, और इसके अलावा आप उस टीम के स्पिनर्स को भी अपनी प्लेइंग 11 में रख सकते हैं जो बाद में गेंदबाजी करेगी क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पर स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए वेस्ट इंडीज और आयरलैंड दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले वेस्ट इंडीज टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो आपको वेस्ट इंडीज की टीम में सबसे पहले वापसी करते हुए नजर आएंगे उनके रेगुलर कप्तान कायरन पोलार्ड जो कि पाकिस्तान के दौरे पर अवेलेबल नहीं थे इंजरी की वजह से, लेकिन अब वो रिकवर होकर वापस आ चुके हैं। तो ऐसे में वेस्ट इंडीज के स्क्वाड को काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी और अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कायरन पोलार्ड एक यंग विंडीज की साइड को कैसे लीड करते हैं। तो आपको इंडीज की प्लेइंग 11 इस पहले मुकाबले में कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आ सकते हैं शाई होप के साथ शेमार ब्रुक्स, नंबर 3 पर आ सकते हैं रॉस्टन चेस, नंबर 4 पर विकेटकीपर निकोलस पूरन, नंबर 5 पर कैप्टन कायरन पोलार्ड, नंबर 6 पर जस्टिन ग्रीव्स, नंबर 7 पर जेसन होल्डर, नंबर 8 पर अकील हुसैन, नंबर 9 पर अलजारी जोसफ, नंबर 10 पर ओडियन स्मिथ और नंबर 11 पर जेडन सील्स खेल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आयरलैंड टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो आयरलैंड की टीम ने जो अपनी पिछली T20 इंटरनेशनल सीरीज USA के साथ खेली थी वो 1-1 से ड्रॉ करी थी, हालांकि उसके बाद आयरलैंड के कुछ खिलाड़ियों को कोविड हो गया था तो इस वजह से वो सीरीज को रद्द कर दिया गया था। और अब इस सीरीज में एंड्रू बेलबर्नी की कप्तानी वाली आयरलैंड की टीम उतरेगी, तो उनका उद्देश्य यही होगा कि वेस्ट इंडीज को उनके घर पर हराना जिससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आपको आयरलैंड की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे पॉल स्टर्लिंग के साथ विलियम पॉटरफील्ड, नंबर 3 पर आ सकते हैं कैप्टन एंड्रू बेलबर्नी, नंबर 4 पर लॉर्कन टकर, नंबर 5 पर कुर्तिस कैम्फर, नंबर 6 पर विकेटकीपर नील रॉक, नंबर 4 पर जॉर्ज डॉकरल, नंबर 8 पर जोशुआ लिटिल, नंबर 9 पर मार्क एडर, नंबर 10 पर सिमी सिंह और नंबर 11 पर बैरी मैकर्थी खेल सकते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 दोनों टीमों की तरफ से इस पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में नजर आ सकती है। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में कि मुझे क्या लगता है कौन सी टीम ये पहला वनडे मैच जीतने वाली है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के बीच अभी तक वनडे इंटरनेशनल्स में 13 बार आमना सामना हुआ है जहां पर वेस्ट इंडीज ने 10 मैचेस जीते हैं जबकि आयरलैंड की टीम मात्र 1 मैच ही जीत पाई है, इसके अलावा 2 मैचेस नो रिजल्ट पे खत्म हुए थे। तो आप इन रिकॉर्ड से देख सकते हैं कि वेस्ट इंडीज का पलड़ा साफ तौर पे भारी है आयरलैंड के ऊपर और वेस्ट इंडीज ने डोमिनेट किया है आयरलैंड के ऊपर। इसके अलावा अगर हम सिर्फ जो वेस्ट इंडीज में मैचेस हुए हैं उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो यहां पर भी वेस्ट इंडीज की टीम क्लियर डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है। 6 मुकाबले अभी तक वेस्ट इंडीज में खेले गए हैं और सारे मैचेस वेस्ट इंडीज की टीम ने ही जीते हैं। तो आप सीधे तौर पर यहां से देख सकते हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम इस पहले वनडे मुकाबले में फेवरेट्स नजर आ रही है, हालांकि ये क्रिकेट है यहां पर कुछ भी हो सकता है और आयरलैंड की टीम में वो मादा है, वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो वेस्ट इंडीज को हरा सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि जो मैच से पहले अगर मुझे आपसे फेवरेट्स बताना होगा तो मैं आपको यही बताऊंगा कि वेस्ट इंडीज की टीम यहां पर क्लियर फेवरेट्स नजर आ रही है और इसलिए मेरे उस मुकाबले की जो विन प्रेडिक्शन है वो वेस्ट इंडीज की टीम के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, आपको क्या लगता है कि किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत लग रही है और कौन सी टीम ये पहला वनडे मैच जीतने वाली है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।